खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर काला पीपल से सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दो दिन पहले एक गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस ने हासिल की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर चुके हैं। जी सर, बताना चाहूंगा कि दो दिन पहले 29 मार्च 2021 को जीवन सिंह पिता केदार सिंह ने थाना सलसलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनकी मोटरसाइकिल यादव होटल के सामने भर्ती चौराहे से करीब दोपहर 12:30 के समय अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही साजापुर पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव और अति पुलिस अधीक्षक आरएस प्रजापति द्वारा टीम का गठन किया गया और जांच को शुरू कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी सचिन पिता गोविंद मालवी निवासी अहियापुर थाना सलसलाई और मनोज पिता शिवनारायण अहिरवार निवासी पानखेड़ी काला पीपल को आज मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स के साथ में गिरफ्तार करके धारा 102 के अंतर्गत जेल भेज दिया गया। पूरे मिशन में काला पीपल थाना प्रभारी राजेश सिन्हा के साथ में रमेश चंद्र यादव, विवेक गोस्वामी, जोगेंद्र परमार, प्रशांत भदौरिया और नीरज शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।